अगर दोनों देशों की सरकारें समझे तो उन्हें अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए। दोनों एटमी रियासतें और दोनों जिम्मेदार रियासतें हैं। पाकिस्तान और इंडिया को दुनिया के बड़े ममालक की वजह से, उनके लॉन्ग टर्म पॉलिसी की वजह से कुर्बानी का बकरा हरगिज नहीं बनना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स की चेस में इंडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने ये स्टेटमेंट दी कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स रही हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं यूएसए के सपोर्ट से टू पाकिस्तान। अगर यूएस इतना ज़रा सपोर्ट शायद ना करता पाकिस्तान को तो शायद इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन हैं ये भी इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। रीज़न ऑफकोर्स यहाँ पर यही है कि ओवर द ईयर्स ऑफकोर्स 90 से पहले की हम बात कर रहे हैं, यूएस ने काफ़ी बार पाकिस्तान के जो एम्बिशंस थे रिगार्डिंग इंडिया के ये हिस्सा वापस लेंगे ये करेंगे, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट भी किया था कि ये लीजिए हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हम आपको पैसा देंगे। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले आपको याद होगा यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को। हालांकि वॉर के समय यूएस ने अपनी जो एड है बंद कर दी थी। उसके अलावा 1971 वॉर में भी यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को, बट फिर भी इंडिया वो वॉर जीत गया। तो डॉक्टर अजय शंकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली यूएसए का जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान, इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो ख़राब हुई हैं, साथ में ऑफकोर्स इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। आज के समय ऑफकोर्स इन्होंने फिर ऐड किया कि क्वाड बन चुका है। क्वाड की यूनिकनेस ही यही है कि इंडिया पे कोई शर्तें नहीं है कि रशिया की निंदा करोगे तभी क्वाड बना रहेगा। आप लोग आज के समय देख सकते हैं कि क्वाड में इंडिया है तब भी इंडिया ने रशिया की आलोचना नहीं करी, तो ये फ्रीडम इंडिया आज के समय इंजॉय करता है। बट स्टिल डॉक्टर अजय शंकर ने ये जो कमेंट है अबाउट यूएस पाकिस्तान पास्ट रिलेशंस ये क्यों करी है, रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है, ये एक तरीके से चेतावनी क्यों है यूएसए को, एक माइल्ड वार्निंग, हिस्ट्री से सीखिए हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक इंटरनेशनल ग्रुप है I2U2 के नाम से, बड़ा न्यूज में आज के समय I2U2 इसका समिट होने वाला है, अगले ही महीने इसका समिट होगा, मोदी जी भी अटेंड करेंगे इसको, इंडिया इसका पार्ट है। आपको बताना है कि I2U2 में मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया इसराइल यूएसए यूएई, इंडिया इराक यूएसए यूएई, इंडिया इसराइल यूएसए यूके, या फिर इंडिया इराक यूएसए यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ रिसेंटली अगर हम देखें तो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। एक बार को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाइडन अभी भी शहबाज शरीफ से मिले नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं हुई है, मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले। उसके अलावा यूएसए ने ऑफिशियली ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि रास्ते ढूंढेंगे कैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस और ज़्यादा एडवांस हो। एक तरफ जहां पर यूएस ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया की बहुत आलोचना करता है, रिसेंटली प्रॉफेट मोहम्मद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी स्टेटमेंट को लेकर यूएस ने भी कह दिया कि हम उस स्टेटमेंट की निंदा करते हैं, मगर जब पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी पे अटैक होते हैं, जो मिनोरिटीज पे अटैक होते हैं, यूएस बिल्कुल चुप रहता है, बस रिपोर्ट पे कहीं पे मेंशन कर देता है, ऑफिशियली पाकिस्तान को एडमोनिश करता नहीं है। उसके अलावा देखो सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो अब ये हुई है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पाकिस्तान को लोन मिलना है, जो बात अभी अटक चुकी है, ये लोन दिलवाने में यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान की हेल्प करे, यूएस इंटरवेंशन करे, आईएमएफ से बातचीत करना स्टार्ट करे ताकि आईएमएफ आराम से पाकिस्तान को लोन दे दे। प्रॉब्लम ऑफकोर्स अभी इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF की ग्रे लिस्ट में होने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ये होता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन आपको आसानी से नहीं मिलते। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अभी के लिए कोशिश ये है कि US के साथ रिलेशंस इस हद तक रिपेयर हो जाए कि US हेल्प करने को तैयार हो जाए पाकिस्तान को IMF के इशू को लेकर। इसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा, देखो सबसे बड़ा काम पाकिस्तान ये करने वाला है कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये होने वाला है। इसके बारे में पाकिस्तान में कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब खुल के बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे सलीम मानवी वाला, ये कह रहे हैं कि हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, ये कह रहे हैं कि हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए,
ठीक है हम इसराइल पे प्रेशर डालेंगे कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ जस्टिस करो, मगर उनके साथ रिलेशंस तोड़ के रखना समझदारी किस बात की है। पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और पोटेंशियल टाइज डेवलप करने चाहिए इसराइल के साथ। मैं इसलिए कहता था, आपको याद होगा, इमरान खान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मैं अभी भी कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को ज़्यादा यू नो इम्प्रूव होने से रोकना है तो पाकिस्तान में इमरान खान को पावर में आना होगा। हालांकि अब मुश्किल हो गया है क्योंकि अब इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब कर दिए हैं, बट आई स्टिल होप, मेरे मतलब जेन्युइनली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहीं से इलेक्शन हो जाए और इमरान खान वापस पावर में आ जाए। क्योंकि इमरान खान के आने से दो चीज़ें होंगी, इमीडिएटली पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ फ्रीज़ हो जाएंगे, आईएमएफ की कोई हेल्प पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, और जो एक पोटेंशियलिटी है कि इसराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ये होने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया के लिए मैं कहूँगा बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर इसराइल के पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशंस ना रहें, क्योंकि इसराइल एक बहुत ही अग्रेसिव वेपन सप्लायर है। कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इंप्रूव होती है और ये लोग इसराइल से वेपन्स परचेज करते हैं, दैट विल नॉट बी इन इंडियाज़ इंटरेस्ट। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है यूएस पाकिस्तान को हेल्प कर देगा आईएमएफ के इशू को लेकर, यही है ना सब, नहीं। ओवरऑल मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मैं क्या भारत में जो वेरियस हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, सब नोटिस कर पा रहे हैं, एक स्लो शिफ्ट हम देख रहे हैं आज के समय। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस फंडामेंटल लेवल पर बहुत ज़रा इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका एक इंडिकेशन हमको तब भी दिखा, अभी कुछ ही महीने पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी, इंडिया के जो FDI इन्फ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो इन्फ्लो हैं, ये रिकॉर्ड हाई पे हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान के जो FDI इन्फ्लो हैं ये कम होते जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर काफ़ी कम हुए हैं। चाइना से जो FDI आती थी पाकिस्तान को, ये अब काफ़ी कम हो गई है। हालांकि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप अगर देखोगे तो चाइना इज स्टिल नंबर 1 FDI इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, मगर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि US की जो FDI इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान, इसमें एक सडन जंप आया है, और ये अचानक नहीं होता। US जब एक कंट्री की तरफ थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना स्टार्ट करता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनके इन्वेस्टर आते हैं, जो इंटरनेशनल संगठन है उनसे बातचीत है, कंट्री की आराम से हो जाती है, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपन। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि US की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम है पाकिस्तान में ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया में इन्वेस्टमेंट US बहुत ज़्यादा करता है कंपेयर टू पाकिस्तान, मगर अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि US धीरे धीरे अपने जो रिलेशंस हैं विद पाकिस्तान, इनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और US ऐसा क्यों करेगा, देखिए इसके पीछे सेंट्रल रीज़न ये माना जाता है कि ये थोड़ा सा इंडिया को काउंटर करने के लिए है। फंडामेंटली ग्रैंड स्ट्रेटजिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो US ने ओपनली कहा है कि इंडिया के साथ हमारी क्या है, लॉन्ग गेम, हम लॉन्ग गेम में हैं, बहुत लंबी एक पार्टनरशिप का सोचा है हमने, 20-30 साल बहुत लंबे समय तक दोनों देश इकट्ठा काम करेंगे, मगर बीच में ऑब्वियसली कुछ हिकअप्स भी आते हैं, हिचकियाँ भी आती हैं। अब हिचकी आज के समय यही आ रही है कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ बहुत ज़रा इम्प्रूव कर रहे हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड लेवल पे ऑयल परचेज किया, कोयला अब हम और परचेज कर रहे हैं डिस्काउंट पर। फिर रिसेंटली ये भी देखा गया कि रशिया एक समिट ऑर्गेनाइज करता है, एक फोरम ऑर्गेनाइज करता है, इकोनॉमिक फोरम, सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम, पश्चिमी देशों ने इस इकोनॉमिक फोरम को बॉयकॉट कर दिया, US ने भी ऑब्वियसली इसको बॉयकॉट कर दिया, मगर इंडिया की तरफ से हमारे मिनिस्टर गए हैं, इंडिया ने प्रॉपर अटेंडेंस दी है इस इकोनॉमिक फोरम में। तो US ये सब देख रहा है, कहीं ना कहीं ये इंडिया पे एक प्रेशर डालेंगे, और इनको पता है इंडिया पे प्रेशर डालने का द ईजिएस्ट थिंग टू डू, मेरे हिसाब से, मैं कई बार सोचता हूँ अबाउट ए ग्रैंड ग्रेट गेम, कि UK ने भी आप अगर सोच कर देखिए इतने तरीके से पाकिस्तान को बनाया है कि इसका वजूद ही है इंडिया को कंटेन करने के लिए, कि जो पूरा रीजन है ये कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो US भी आज के समय यही कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली कल को अगर इंडिया बड़ा स्टेप उठाता है रशिया के साथ, कोई वेपन्स फिर से परचेज करता है, US भी यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प करना स्टार्ट कर देगा जैसे एक टाइम पे करता था। इसीलिए जयशंकर साहब ने यहाँ पर USA को एक माइल्ड वार्निंग दी है, हालांकि डायरेक्टली ये कहा नहीं है US गवर्नमेंट को, बातों बातों में मेंशन किया है कि हिस्टोरिकली जो हमारे रिलेशंस खराब रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें US का जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था टू पाकिस्तान, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर। वीडियो देख के तो ऐसे लगा जैसे जयशंकर जी अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़े हों। चलो अच्छी बात है कि इंडिया ने इतने बड़े लेवल पर इस बात को मान ही लिया कि अमेरिका पाकिस्तान और दुनिया के लिए फसाद का बाइस रहा है। 1971 की वार में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसी तरह 1962 की वार में
अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया चाइना के अगेंस्ट, इसलिए तो कहते हैं कि अमेरिका अगर आपका दुश्मन है तो बुरा है और अगर आपका दोस्त है तो फिर बहुत ही बुरा है। सोवियत यूनियन का टूटना इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज था, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब हो गया और रूस भारत के करीब हो गया। वीडियो में हाईलाइट किए गए पार्ट्स पर वन बाई वन बात करते हैं। क्वाड अमेरिका ने कब बनाया? जब चाइना अमेरिकी अंदाजों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था और अमेरिका को इस खित्ते में ऐसा एक अलाई चाहिए था जो चाइना की आगे बढ़ने को किसी हद तक रोक सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सच है कि रूस यूक्रेन जंग के ऊपर अमेरिका का प्रेशर इंडिया ने बर्दाश्त किया है और इंडिया की ये पॉलिसी आज़ाद खारजा पॉलिसी यानी फ्री फॉरन पॉलिसी की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालात बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के सेक्रेटरी अटॉर्नी ब्लिंकन से भी मुलाकात की थी और ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश को जाहिर किया और दूसरी तरफ जो ग्रे लिस्ट की बात की गई तो बिल आखिर 4 साल के बाद फैटफ ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने उनकी तरफ से आयद की गई 34 की 34 शरायत को पूरा कर दिया है और अब SOPs के तहत फैटफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी सितंबर या अक्टूबर में और ग्राउंड लेवल पर आकर सारी कारकर्दगी को देखेगी। उसके बाद पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट की तरफ चला जाएगा। हालांकि बहुत से ममालक ने कोशिश की, ख्वाहिश की कि पाकिस्तान ग्रे से वाइट में आने की बजाय ग्रे से ब्लैक की तरफ जाए, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में मौजूदगी की वजूहात सियासी भी हैं और इसे आलमी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वीडियो ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद चाहता है IMF की डील को लेके, इसमें कोई शक नहीं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वीडियो ऑनर की दूसरी बात के इस डील के बदले में पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। और जिस मेंबर पार्लियामेंट का तस्करा किया गया कि उन्होंने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले अपने मफाद के हक में, अगले ही दिन उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और वजाहत दी कि उनकी बात का मकसद ये हरगिज नहीं था कि पाकिस्तान अरब मालिक की तरह इसराइल को तस्लीम कर ले। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, इसराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं, और इसराइल को तस्लीम करने के बदले पाकिस्तान को असला फराहम किया जाएगा। बिल्कुल ये ऑफर बहुत पुरानी है जिसे पाकिस्तान कई बार मुसरत कर चुका है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल तो क्या किसी भी मुल्क से बड़े पैमाने पर असले को इम्पोर्ट कर सके, क्योंकि पाकिस्तान, ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौशी बहरान में गिरा हुआ है और इम्पोर्ट को एक एक करके गैर जरूरी इम्पोर्ट को पाकिस्तान बंद कर रहा है। तो ऐसी सूरत में ये बात बता देना कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इसराइल से खतरनाक किस्म का असला हासिल कर लेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया को इस बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम करे या इसराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर असले को खरीदे। पाकिस्तान के दिफा को अमरीका ने, चाइना ने बहुत मजबूत कर दिया है और इसराइल के बगैर भी पाकिस्तान का दफा नाकाबले तस्खीर हो चुका है, इसलिए इसराइल को तस्लीम करने के बदले असला मिले पाकिस्तान को, ये डील पाकिस्तान ने आज तक हमेशा मुस्तरद किया और आइंदा भी करेगा। पिछले कुछ हफ्तों में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाइना की कम हुई है और अमेरिका की बढ़ी है। इसकी साफ और आसान सी वजह यही है कि अमेरिका मौजूदा हुकूमत के साथ काम करने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिकी दबाव के बावजूद बड़े पैमाने पर रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। तो इसलिए पाकिस्तान किसी के साथ ट्रेड करे या इंडिया किसी के साथ ट्रेड करे, इसमें अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है और इसे बिल्कुल एक खतरे के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अमरीका इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है, मुझे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान और भारत रूस यूक्रेन तरस की जंग की तरफ नहीं जा सकते, चाहे ऐसा अमेरिका चाहे, चाइना चाहे या कोई भी दुनिया का मुल्क इस बात की ख्वाहिश भी करे, तो भी पाकिस्तान और भारत रूस यूक्रेन तर्ज की जगह जंग में नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों रियासतें एटमी ताकतें हैं, दोनों के पास दुनिया की बड़ी फौजें। अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लेते हैं तो अमेरिका चाइना की प्रॉक्सी वार की जो इब्तदाई शक्ल हमें दिखाई दे रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दोनों तरफ की सरकारों को अब इस बात को देखने और समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी आलमी दबाव के प्रेशर में आके अपने दुश्मन के साथ, अपने हमसाये के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर भारत और पाकिस्तान माजी में जंगें लड़ चुके हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आने वाले वक्तों में भी जंगे लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जबकि पाकिस्तान दुनिया का
पांचवा बड़ा मुल्क है, दुनिया की इस 20% आबादी को अपना आप खुद महफूज बनाना पड़ेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।